हेलो गाइस, दिस इज प्रीति हियर। सो आज हम करने वाले हैं क्लास नाइन्थ की मैथ्स की एक्सरसाइज 1.3। सो इस एक्सरसाइज में हम डेसिमल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। सो डेसिमल्स हमारे टू टाइप्स के होते हैं, फर्स्ट इज द टर्मिनेटिंग एंड सेकंड इज द नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ डिजिट्स क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए। एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आर दोज जिसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाते हैं, जो मीन्स कॉन्टिन्यू चलते रहते हैं, स्टॉप नहीं होते। सो स्टार्ट करते हैं विद अवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। तो हमने पहले क्वेश्चन को डेसिमल फॉर्म में लिखना है, देन हमने बताना है कि किस काइंड के डेसिमल एक्सपेंशन है ये। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी क्वेश्चंस वाइज, जिसमें आपको क्लियर हो जाएंगे सभी के सभी क्वेश्चन और आप और क्वेश्चंस भी इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36/100। तो यहाँ पे हमारे पास आ रही है 10 की फॉर्म, मींस 100 आ रहा है, तो हम इसको इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 0.36। अगर हमारे पास यहाँ पे 1000 आता तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 0.036। मतलब कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में 10 की फॉर्म बन जाती है, अगर कोई भी हमारे पास डिनोमिनेटर हो तो उसमें 10 की फॉर्म बन जाती है, तो वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। क्लियर। सो सेकंड क्वेश्चन करते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है हमारा 1/11। तो यहाँ पे हमारी 10 की फॉर्म नहीं बन रही, तो हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास है 1, तो 11 के टेबल पे नहीं जाता, तो हमने क्या करना होता है, जीरो लगानी होती है और यहाँ पे पॉइंट। तो ये 10 भी नहीं आता, तो अगेन यहाँ पे जीरो और यहाँ पे भी जीरो, तो ये हमारा आ जाएगा 11 9s are 99, अगेन 1। तो अगर हम इसको ऐसे रिपीट करते जाते हैं, मीन्स हम क्या लगाएंगे, 0, ये आ जाएगा हमारे पास 99, अगेन 1। तो आप ये क्वेश्चंस देख रहे हैं, लाइक नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास सोल्व करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर इधर 0 आ रहा है, देन इस क्वेश्चन में हमारा रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे टू टाइप के केस बनते हैं हमारे, टू केसेस बनते हैं। फर्स्ट केस है हमारा कि या तो हमारा रिमाइंडर जीरो होगा या फिर हमारा रिमाइंडर रिपीट होगा। तो अगर हमारे पास रिमाइंडर जीरो आ जाता है तो यहाँ पे हमारे पास टर्मिनेटिंग फॉर्म बन जाती है, मींस यहीं पे ये हमारा जो क्वेश्चंट होगा, क्वेश्चंट में आंसर होगा, वो हमारा स्टॉप हो जाता है पॉइंट के बाद, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बन जाता है। लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास जो रिमाइंडर है रिपीट होना स्टार्ट कर देता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमारे पास 1 आया था, 1 से ही स्टार्ट किया था, 1 पे ही हमारा फिर से स्टार्ट हो गया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। तो यहाँ पे मैं दो केसेस बताती हूँ, जब हमारे पास रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, तो वो क्या होगा नंबर, टर्मिनेटिंग। एंड थर्ड केस है हमारा, अगर हमारे पास रिमाइंडर रिपीट होगा, कोई रिपीट नंबर होगा, देन वो नंबर आ जाएगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो ये तो हमारा हुआ क्या, नॉन टर्मिनेटिंग। और यहां हमारा रिमाइंडर जीरो आ रहा है, वैसे भी आप देख ही रहे हो 1 2 5 के बाद स्टॉप हो रहा है, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टर्मिनेटिंग। अब मैं नॉन टर्मिनेटिंग की बात करती हूं, तो आपको पता होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग की फर्दर डिवाइड होते हैं टू पार्ट्स में, फर्स्ट इज द रिपीटिंग डेसिमल एंड सेकेंड इज द नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। तो आप यहां पर देख ही रहे हैं कि जो हमारा पॉइंट के बाद जो 09 है वो रिपीट हो रहा है नंबर, तो मींस अगर हमारे पास ये रिपीटिंग डेसिमल में जो नंबर रिपीट होगा तो ये क्या हुआ नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ऑल्सो जो नंबर हमारा रिपीट होता है
ये जैसे कि ये नंबर हमारा रिपीटिंग डेसिमल में जो नंबर रिपीट होता है उसके जो नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं हमारे क्या होंगे, वो लेस देन डिवाइजर होंगे। सो मैं एक बार नोट कर देती हूँ, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ये नंबर, वैसे इसको हम लिख सकते हैं 1/11 को 0.09। जो हमारा 09 हमारा रिपीट हो रहा है तो हम इसकी जगह क्या लगा देते हैं यहाँ पे बार, तो इसका मतलब ये होता है कि 09 हमारा रिपीट हो रहा है नंबर। तो जो हमारा रिपीटिंग नंबर है उसके जो नंबर ऑफ डिजिट्स है, फॉर एग्जांपल इसके नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 2, और जो 2 हमारा होगा वो हमेशा इसके डिवाइजर से, डिवाइजर मीन्स यहाँ 11 है, उससे स्मॉलर होगा। तो इसके नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग डेसिमल्स क्या है, 2 है, तो 2 इज ऑलवेज लेस देन द 11। सो मैं एक और पॉइंट आपको नोट कर देती हूँ कि नंबर ऑफ डिजिट्स इन रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग डेसिमल्स मीन्स 09 हमारा एक रिपीटिंग डेसिमल्स है, उसके जो नंबर ऑफ डिजिट्स मीन्स 1-2 डिजिट्स है रिपीटिंग डेसिमल्स आर ऑलवेज लेस देन इट्स डिवाइजर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा 3/13। तो हमने क्या करना है, इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो अब ये देखते हैं कि हमारा जो ये नंबर 3 है तो जब हमारे पास सॉल्व होता है तो ये अगेन हमारा यहाँ पे 3 रिपीट हो जाता है। तो यहाँ पे 3 रिपीट हो गया तो यहाँ पे रिमाइंडर हमारा क्या हो गया, रिपीट हो गया, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, रिपीटिंग का मतलब कि हमारे पास देखो 2, 3, 0, 7, 6, 9 ये हमारे नंबर अगेन स्टार्ट हो जाते हैं, 2, 3, 0, 7, 6, 9 अगेन। तो मैं इसको लिख सकती हूँ 3/13 को 0.230769 बार, बिकॉज ये नंबर हमारे पास अगेन रिपीट होगा। अगेन ऑल्सो हमारे पास इस डेसिमल, जो रिपीटिंग डेसिमल है हमारा, जो इसमें रिपीटिंग डिजिट्स होंगे, मतलब ये डिजिट्स होंगे अगर हम इनको काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो ये नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है 6 है, ये हमेशा किससे लेस होंगे, इसके डिवाइजर से, इसका डिवाइजर है 13, सो 6 हमारा किससे लेस हुआ 13 से, ये हमारे इसकी कंडीशन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2/11। 2/11 को अगेन हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करेंगे। इस पे हमारे पास क्या आ रहा है, देखो हमने 2 से स्टार्ट किया, हमारे पास अगेन यहाँ पे भी 2 आया रिमाइंडर, अगेन 2 रिमाइंडर, यहाँ पे फिर से आ गया 2 रिमाइंडर, तो इसमें रिमाइंडर क्या हुआ, रिपीट हुआ हमारा। तो इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2/11 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.18 बार, बिकॉज देखो 1818 हमारा ये रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे इसको 0.18 बार। नेक्स्ट हमारे पास है 329/400। अब देखो हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, रिमाइंडर 0 आ जाता है। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आ रहा है तो ये नंबर क्या होगा हमारा, टर्मिनेटिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन इज, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 बार, मींस ये नंबर हमारा रिपीट होगा। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। हमारे पास 1/7 की वैल्यू गिवन है, हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि 2/7 की वैल्यू बतानी है, मतलब इन सब की वैल्यूज बतानी है विदाउट डिवाइड, विदाउट डिवीजन, बिना डिवीजन के हमें इनकी वैल्यूज बतानी है। तो हमारे पास ये हमने डिवाइड कर ली है इसकी,
तो 7 को जब 1 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये नंबर बनता है. तो 1/7 की तो वैल्यू ये रही. सबसे पहले मैं यहाँ पर 2/7 की वैल्यू बताती हूँ. 2/7 का मतलब भी हमारा डिविडेंड 1 की जगह क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए. लेकिन हमारा यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे. जैसे हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर 2 है तो हमने क्या करना है, इसको डिविडेंड लेना है. ये आ जाएगा हमारा 2 और इसका जो रिस्पेक्टिव क्वोशेंट होगा ये आएगा हमारा यहाँ से 2. मीन्स बिकॉज 7 × 2 = 14 होता है तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 2. तो हमारा यहाँ से आंसर स्टार्ट हो जाएगा 2 0.28571. एंड इसके बाद देखो 1 के बाद हमारा क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, तो 4 हमारे पास ये आ जाएगा. सो हमारे पास ये था फर्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है हमारा 3/7. तो हमारा क्या होना चाहिए, डिविडेंड हमारा 3 होना चाहिए. हम यहाँ पे रिमाइंडर देखेंगे कि हमारा 3 कहाँ बन रहा है. तो ये रहा हमारा 3, तो इसका जो रिस्पेक्टिव क्वेश्चेंट होगा वो क्या होगा, 28. मतलब 7 × 4 = 28 मीन्स 4 होगा. तो हमने क्या करना है, ये स्टार्ट करना है यहाँ से 0.428571. तो मीन्स 1 के बाद फिर से 4 आ जाएगा तो हमारा आता है ये आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4/7. 4/7 मीन्स हमारा डिविडेंड क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए. तो हमें यहाँ पे रिमाइंडर देखना है कि 4 कहाँ पे आ रहा है. तो ये हमारा आ रहा है 4, यहाँ रिमाइंडर आ गया 4. अब इसका हमने रिस्पेक्टिव क्वोशेंट देखना है, बिकॉज 7 × 5 = 35 होता है, तो 5 आ गया हमारा यहाँ. तो हमारा आंसर आएगा 0. ये आ जाएगा 5, 7, 1. 1 के बाद क्या आ रहा है यहाँ पे, 4, 2, 8. अगेन यहाँ 5 स्टार्ट हो जाएगा. तो ये था हमारा आंसर. नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन 5/7. अगेन 5, जहां पे हमारा डिविडेंड 5 है तो हमने क्या देखना है, रिमाइंडर यहाँ 5 देखना है कहाँ आ रहा है. तो हमारा रिमाइंडर ये रहा हमारा 5. तो इसका रिस्पेक्टिव क्वेश्चन मीन्स 7 × 7 = 49 होता है, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 7. तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे आंसर 0.71. 1 के बाद क्या आ रहा है, 4, 2, 8, 5, अगेन 7. तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट है हमारा 6/7. सिमिलरली हम वही स्टेप अप्लाई करते हैं. हमारा जो 6 आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, ये रहा 6. तो 6 में हमारा 56 आ रहा है, 7 × 8 = 56. तो इसका रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट क्या होगा, 8. तो हमने यहां से आंसर स्टार्ट करना है 0.8571. 1 के बाद क्या आ रहा है, 4, 2, 8. ये 8 हमारा फिर से स्टार्ट हो जाएगा, तो ये हमने क्या लगाना है यहाँ पे, बार. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0. हमारे पास क्वेश्चंस डेसिमल फॉर्म में गिवन है, हमने कन्वर्ट p/q के फॉर्म में करना है. मीन्स हमने रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है. पीछे जो क्वेश्चंस थे हमारे, हमें रैशनल नंबर्स में गिवन थे और उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है. तो हम इसको मतलब p/q कैसे लिखेंगे, मैं स्टेप वाइज बताती हूँ. सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 0.6 बार. अब ये देखते हैं कि हमने इसको सबसे पहले लेट क्या कर लेना है, x = 0.6 बार. अब जितने नंबर्स के ऊपर हमारे पास बार लगी हुई है, मतलब कि जो नंबर रिपीट हो रहा है, कितना नंबर, सिर्फ ओनली 1 नंबर रिपीट हो रहा है. मीन्स यहाँ पे 6 ही रिपीट हो रहा है. तो हमने 10 मतलब कि 10 से मल्टीप्लाई करना है. अगर हमारा 2 डिजिट के ऊपर रिपीट होता, मतलब 2 डिजिट के ऊपर बार लगी होती, जैसे कि हमारा अगर 61 बार आ जाता तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करते, मीन्स 2 जीरो के साथ. तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10. जब हम इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जैसे कि मैं इसको बार हटा के 666 ऑन कर देती हूँ, ठीक है. तो हमारा अगर यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमारा ये जो पॉइंट है एक आगे शिफ्ट हो जाता है,
ऐसे भी सॉल्व करके आप इसको देख सकते हो. सो 10x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6.6600 ऑन. मतलब हमारा एक पॉइंट यहाँ पे एक डिजिट आगे शिफ्ट हो गया. अगर हमारा 100 आता तो दो डिजिट आगे शिफ्ट हो जाता. सो हमने क्या करना है, इसको क्या लिखना है, 10x इज इक्वल टू 6.6 बार. हमने इसको ले लेना है फर्स्ट इक्वेशन, देन दिस इज द सेकंड इक्वेशन. हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है वन फ्रॉम टू. तो हमने सब्ट्रैक्ट वन फ्रॉम टू, टू इक्वेशन से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे. 10x में से x हमने सब्ट्रैक्ट करना है, 6.6 बार में से हमने 0.6 बार सब्ट्रैक्ट करना है. 10x माइनस x हो जाएगा हमारे पास 9x, और ये आ जाएगा हमारे पास 6.6 बार. 6 बार से 6 बार कैंसिल, तो 6 माइनस 0 6, तो हमारे पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 6/9. तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं, 3 टू 6, 3 3 9, सो x इज इक्वल टू 2/3. सो ये हम इस मेथड से सोल्व करेंगे. लेकिन मैं आपको एक बिल्कुल ही शॉर्ट मेथड समझाती हूँ जो आप उनको एमसीक्यूज वगैरह में कर सकते हैं क्वेश्चंस को. जैसे कि हमारे पास यहाँ 0.6 बार है यहाँ, तो जितने डिजिट्स के ऊपर बार लगी हुई है, मीन्स वन डिजिट के ऊपर बार लगी हुई है, तो हमने डिनोमिनेटर में उतने टाइम ही 9 लिखना है. तो वन डिजिट है, हमने 6 को एज इट इज लिखना है. एंड कितने डिजिट के ऊपर बार लगी हुई है, वन डिजिट के ऊपर, तो हमने उतने ही 9 लिख देने हैं. तो ये हमारा इस टाइप से भी आंसर आ जाता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 0.47 बार. सबसे पहले हमने क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू 0.47 बार. अब हमारे पास यहाँ पे ओनली वन डिजिट मीन 7 के ऊपर बार लगी हुई है, मीन 7 जो है रिपीट हो रहा है, तो रिपीटिंग डिजिट्स ओनली 1 है. तो हम इसको अगेन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10. तो हमने क्या करना है, 10x इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 0.47 बार. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये दिस इम्प्लाइज 10x इज इक्वल टू, जो हमारा एक पॉइंट है एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4.7 बार. अगेन दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकेंड इक्वेशन. सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. 2 से हमने सब्ट्रैक्ट करना है 1 को. क्या आ जाएगा, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 4.7 बार माइनस 0.47 बार. तो यहां आ जाएगा 10x माइनस एक्स, दिस इंप्लाइज 9x. तो हमने क्या करना है, 4 में से हमने ये माइनस करना है. देखो कैसे करते हैं हम इसको, 4.777 एंड ये आ जाएगा हमारा 0.477, ये आ जाएगा हमारा 4.300, ये आ जाएगा हमारे पास 4.3. देन हमने क्या करना है, 9 उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड डिवाइड बाय 9, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 43/90. पॉइंट हटके हमारे पास यहाँ 90 आ जाएगा, दिस इज अवर आंसर. मैं इसका थोड़ा शॉर्ट फॉर्म बताती हूँ आपको. जैसे कि हमारे पास यहाँ पे एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है, तो हमें इतना पता है कि हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर में उतनी टाइम्स 9 लिखना है. मीन्स एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ, तो हमने उतने टाइम ही 9 लिखा. देन हमारे पास जो ये जिसके ऊपर बार लिखा हुआ है, हमने वो नंबर तो एज इट इज लिखेंगे वैसे 47, लेकिन जिसके ऊपर बार नहीं लगा होता उसको हम माइनस कर देते हैं, 47 माइनस 4. और यहाँ पे इस 4 के नाम का, बिकॉज 07 है हमारा, तो हमने 9 और 0 लिख देना है. मीन्स यहाँ 90 आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 43/90. सो नेक्स्ट आंसर थर्ड इज, सो क्वेश्चन हमारा क्या है, 0.001
इस पूरे के ऊपर बार लगा हुआ है, मीन्स ये 001 ही रिपीट हो रहा है नंबर. सो स्टार्ट करते हैं. लेट x इज इक्वल टू 0.001 बार. तो हमने देखो थ्री डिजिट्स के ऊपर बार लगा हुआ है, तो मीन्स हमने थ्री जीरोज यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करना है. सो मल्टीप्लाई बोथ साइड विथ 1000. तो हमने क्या कर दिया, 1000x इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई 0.001. इसको मैं बार को हटा के ऐसे लिख सकती हूँ. सो ऑन लिसन, ये जो 1000 है मीन्स थ्री डिजिट हमने बाद, यहाँ पे थ्री डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है, पॉइंट को शिफ्ट करना है. ये थ्री डिजिट ये रहे, हमने यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे. तो हमारे पास आ जाएगा आंसर, दिस इम्प्लाइज 1.001. फिर अगेन 001, तो मीन्स ये आ जाएगा 1.001 बार. सो दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन. सेपरेट टू फ्रॉम वन, ये हमने x लिखना था यहाँ पे. सो हमने क्या करना है, 1000x माइनस एक्स इक्वल टू 1.001 बार माइनस 0.001 बार. तो 1000x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 99x. तो ये आ जाएगा हमारे पास 001 में से 001 माइनस करके 0 आता है, तो 1 माइनस 0 1. तो आंसर आ जाएगा 1/999. इसका मैं शॉर्ट मेथड फिर से बताती हूँ आपको. देखो इधर यहाँ पे क्या है हमारा 001 एज इट इज लिखेंगे, और जितने डिजिट्स के ऊपर बार है उतने टाइम से हमने 9 लिखना है. तो थ्री डिजिट्स के ऊपर बार है तो हम क्या लिखेंगे, 39 मीन्स 999. सो ये हमारा क्या आ जाता है, इसका आंसर आ जाता है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. एक्सप्रेस 0.999 सो ऑन इन फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर. सो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू है 0.9 बार. हम वही स्टेप अप्लाई करेंगे बिकॉज एक डिजिट के ऊपर बार है. तो हमने क्या करना है, 10 से मल्टीप्लाई बोथ साइड, 10x मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 0.9 बार. हमारे पास यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, 10x इज इक्वल टू 9, मतलब कि हमने 9 के बाद डिजिट लगा देना है, एक डिजिट के बाद सॉरी पॉइंट लगा देना है, 9.9 बार. फिर हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 2 को 1 से. तो हम क्या करेंगे, 10x माइनस एक्स इज इक्वल टू 9.9 बार माइनस 0.9 बार. तो ये आ जाएगा हमारे पास 9x इज इक्वल टू 9. तो ये एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 9/9 दैट इज 1. सो मीन्स एक्स की वैल्यू 1 है, तो क्या ये आंसर सही है. जो 1 और 0.99 है इनके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं आता, ये बिल्कुल पास में ही होते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. सो क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स बी इन रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन 1/17. परफॉर्म द डिविजन टू चेक योर आंसर. हमने ये डिवाइड करके ये बताना है कि इसके अंदर कितनी रिपीट डिजिट्स आ रहे हैं. सो हम इसको 1 को 17 से जब डिवाइड करते हैं तो 1 तो 17 के टेबल पे नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे पॉइंट लिखेंगे. देन यहाँ 00, देन 100 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 17 से, तो 17 5 85, तो हमारा रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 150. ऐसे से हम अपनी ये करते चलते हैं. तो हमारे पास यहाँ पे जब तक हमारे पास 1 नहीं आ जाता रिमाइंडर में, मीन्स दोबारा से रिपीट ना आ जाए कोई नंबर, तो यहाँ पे हमारे पास 1 आ जाता है. तो हमारे पास जो ये आंसर आएगा, मीन्स अगेन हमारा यही नंबर स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स अगेन 5, 8, 8, 2, 3, 5 सो ऑन. तो हमारे पास जो 1/17 है उसका जो रिपीटिंग डिजिट कितने होंगे, अगर हम इसको काउंट करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 15. सो नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कितने आ जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स आर 15. सो हमारा आंसर है 15. सो यहाँ पे हमारे पास 0 आएगा साथ में, बिकॉज यहाँ पे अगर हम 17 5 35 कर रहे हैं तो यहाँ 0 1 और लगेगी, तो इसके नाम का हमारा 0 यहाँ पे आएगा.
तो इधर भी हमारे पास जीरो हो जाएगा, तो ये हमारे जो डिजिट्स हो जाएंगे काउंटों के 16 आ जाएगा, तो 16 हमारा आंसर है. सो क्वेश्चन नंबर 6 इज लुक एट द सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रैशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 and having terminating decimal representations, can you guess what property q must satisfy? तो हमें कुछ examples देने हैं p by q की form में. तो हमने इसमें जो factor होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, other than 1, means 1 के अलावा नहीं होना चाहिए कोई. और हमने ये बताना है कि जो q होगा means जो denominator होगा कौन सी property satisfy करेगा. So first is the 1/2. तो 1/2 को अगर मैं टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में रिप्रेजेंट करूं तो हमने क्या करना है 5/5, बिकॉज हम क्या कर सकते हैं इसको 10 बनाना है, 2 को 10 बना सकते हैं, मींस हमने कोई भी 10 की फॉर्म बनानी है. तो हम इसको क्या लिखेंगे 5/10, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर 0.5. देन हमारे पास क्या आएगा 2/5, तो 2/5 को अगर हम 10 बनाएंगे तो हम क्या करेंगे इसको 5 को 10 बनाना है 2/2, तो ये कितना आ जाएगा 2 2 4 4/10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.4. नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूं मैं. नेक्स्ट आ जाएगा 4/25. अब मुझे 25 को 10 के फॉर्म में बनाना है, तो 25 4 के टेबल पे क्या आएगा, 100 कब आता है 4 पे आता है, तो 4/4 करेंगे हम, 4 4 16 and 25 4 100, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.16. तो जो ये हमारे एग्जांपल्स हैं इसमें आपने एक बात नोट की है कि हमारे जो डिनोमिनेटर्स के अंदर या तो हमारे 2 के फैक्टर आ रहे हैं या फिर हमारे 5 के या फिर दोनों 2 एंड 5 के. तो इसकी जो क्यों की प्रॉपर्टी रैशनल नंबर के अंदर क्या होनी चाहिए फॉर मेकिंग द डेसिमल टर्मिनेटिंग, क्या होना चाहिए, क्यू मस्ट हैव फैक्टर ऑफ 2 और 5 या फिर ओनली 2 एंड 5. नाउ 7th क्वेश्चन इज राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग. तो मतलब हमने 3 नंबर्स चूज करने हैं जिसके डेसिमल एक्सपेंशन आपके होने चाहिए नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो टर्मिनेटिंग ना हो, और नॉन रिकरिंग मींस जो रिपीटिंग ना हो, नॉन रिपीटिंग नंबर. तो हमारे जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स, या तो हमारे रूट जो यहां पे नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, जैसे कि हमारे पास √2 हो गया, √3, √5, मींस हमने यहां नॉन परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने हैं, तो ये वाले नंबर्स हो सकते हैं, या फिर 0.10 100 100 so on. तो मींस यहां पे कोई भी नंबर क्या हो रहा है, ये एक तो नॉन टर्मिनेट है और ये क्या हो जाएगा एंड नॉन रिपीटिंग नंबर है. नेक्स्ट हमारा हो सकता है 0.90 900, ये आ जाएगा 9000 सो ऑन. एंड नेक्स्ट एग्जांपल एक और ले सकते हैं हम, 0.20 200 2000 सो ऑन. तो ये था हमारा फर्स्ट 7th क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रैशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11. तो अब हमें दो रैशनल नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं 3. तो हम कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे 5/7 एंड 9/11 को. तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 0.714285 बार. तो ये हमारा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग हुआ, ऑल्सो 0.81 बार. तो हमने इसमें नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नंबर ढूंढना है जो इरेशनल नंबर होता है. तो इसके 3 जो नंबर्स होंगे, 3 नंबर्स आर, तो हम क्या लिख, देखो 7/1 के बाद क्या आ सकता है, 5 आ सकता है, 0.750 7500 7500 सो ऑन. मतलब सबसे पहले 750 आ रहा है, फिर आ रहा है 7500, फिर 75000 सो ऑन. सो नेक्स्ट हम और भी ले सकते हैं नंबर्स, 3 नंबर्स लेने हैं. तो हम क्या ले सकते हैं, 0.7670 7670
एंड 767000 मतलब ये नंबर हमारा सबसे पहले ये है, फिर इसके बाद एक जीरो और ऐड कर दी हमने, फिर हमने और जीरो ऐड करते जाएंगे तो हमारा ये नंबर नॉन रिपीटिंग आ जाएगा। सो नेक्स्ट नंबर है हमारा 0.80 बिकॉज 81 से हमारा छोटा नंबर 80 आ सकता है, 80, 800, 8000 सो ऑन। ये हमारे हैं 3 इरेशनल नंबर, इसलिए आप और क्वेश्चंस भी ऐसे निकाल सकते हो। सो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, सो क्वेश्चन नंबर 9th इज क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल नंबर। सो रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर को क्लासीफाई करना है तो हमने क्या करना है, अगर हमारे पास रेशनल नंबर होते हैं तो वो क्या नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड भी हो सकते हैं एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नंबर भी हो सकते हैं। ऑल्सो अगर हमारा स्क्वेयर रूट आता है जैसे, और अगर हमारे पास यहाँ पे परफेक्ट स्क्वेयर आ जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है, रेशनल। अदरवाइज अगर यहाँ नॉट परफेक्ट स्क्वेयर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, इरेशनल। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन √23। अब 23 हमारा नॉट परफेक्ट स्क्वेयर है तो हम क्या करेंगे, 23 इज अ नॉट परफेक्ट स्क्वेयर, सो हमारा ये क्या आ जाएगा नंबर, इरेशनल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकेंड क्वेश्चन 225। जो 225 है हमारा वो 15 का स्क्वेयर आता है तो ये हमारा 15 आंसर आ जाता है इसका, तो 15 जो हमारा होता है रेशनल नंबर होता है, तो ये क्या कितना जाएगा, रेशनल। नेक्स्ट है हमारा थर्ड 0.3796। ये देखो हमारा टर्मिनेट हो गया नंबर, सो इट इज टर्मिनेटिंग नंबर, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास अगर ये टर्मिनेटिंग है तो ये क्या आ जाएगा, रेशनल नंबर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा 7.478478 सो ऑन। अब हमारे पास ये नॉन टर्मिनेटिंग है, और यहाँ पे जो ये 478 है वो रिपीट हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग नंबर है, तो इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, रेशनल। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज 1.10100100। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, पॉइंट के बाद नंबर्स क्या हो रहे हैं, नॉन रिपीट जा रहे हैं, तो मींस यहाँ 10 है, 100 है, 1000 है, सो ऑन। तो ये क्या नंबर हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब ये आगे तक चल रहा है एंड नॉन रिपीटिंग, तो ये है हमारा नंबर इरेशनल। सो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 9। सो आज हमने की एक्सरसाइज 1.3। होप यू अंडरस्टूड ऑल द क्वेश्चंस। थैंक यू।